God. Humor. आप सबको पता चल गया होगा आज का ब्लॉग जो किस टाइटल के आज का और सामने से भी आपने देख लिया होगा गाइस हसन शरीफ है तो हम हसन शरीफ में गए हुए थे तो आज इसी का ही ब्लॉग है तो साथ में रहमान भाई थे और बहुत सारे यानी कि दूर दूर से आए थे और जब उसी रहमान थे जिन्होंने हसन शरीफ पर है उनका नाम था जो हाजी मोहम्मद अजहर अतारी साहब यही था ना और जिन्होंने तिलावत की है ये हमारे रैपर हैं रैपर नहीं रैपर तो हतम श्री में हम गए हैं तो आप जो ने ये सुने हतम श्री में जो हजरत अली साहब ने पढ़ा ये सुन नहीं करता यार ये बंदा खड़ा है यार ये बात का सुथरा बंदा है इसके पास बैठना अच्छा लगे इसके बात करना अच्छा लगे इसे मिलना अच्छा लगे पर दुनिया से चला जाए तो लोग उसकी मोहब्बत में आंसू बहाते हैं मुझे बताया गया कि सुसरा की तारीख में कम ऐसे जनाजे हुए जितना हमारे लोगों के साथ अच्छा बहन खलोन था एक मिलनसार था एक शक्लात एक किसी के साथ मोहब्बत से मिलना प्यार करना जी कह के बात करना इज्जत से बात करना ये चीजें होती है इंसान की जिंदगी की यादें रह जाती है बंदे अपने बारे में गौर कर एक एक महीने के लिए दुनिया छोड़ के चले जाना है कब्र में उतरना है अल्लाह पाक ने रजब का महीना भी अता किया इस महीने को तौबा का महीना भी कहा जाता है इसमें तौबा करके इबादत का बीज बो ले अल्लाह को राजी कर ले इसको इस्तिगफार का महीना भी कहा जाता है हुरमत वाला महीना है तो हुरमत वाले महीनों में इबादत कसरत से की जाती है और गुनाहों से बचा जाता है हर महीने में गुनाह बना है लेकिन हुरमत वाले महीने की तासीर और बढ़ जाती है इसमें गुनाह की शिद्दत भी बढ़ जाती है लिहाजा मौका है रजब का महीना है हम सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा करें परहेजगारी की जिंदगी गुजारने की नियत कर ले एक अच्छी जिंदगी गुजारने की नियत कर ले नमाज पढ़ के दुरूद सलाम की कसरत करके तिलावत कुरान करके माँ बाप की खिदमत करके अच्छी जिंदगी बसर करके दुनिया से चले जाए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में वादा किया है इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नहर इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नईम इन्नल मुत्तकीन फी जिलालिन व उयून इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून इन्नल मुत्तकीन मफाजा वल्लाहु वलीयुल मुत्तकीन इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन व अलमु अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन व मन यत्तकिल्लाह परहेजगारी वाली जिंदगी सच्ची तौबा करके अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करके जिंदगी बसर तो हतम जी से वापसी आने के बाद आज हमारे प्रोग्राम में दो तकरीबें हैं एक हतम जी की थी तो मैं खाता हूँ रहमान भाई उधर चले गए इन्होंने इतनी खाना कोक भी नहीं पीनी प्रवाह
ग्लास में को डालो मग में कदिया मग मग भर के की करी दसी की करी दसी अभी कोक डाल लिया मग में तो पीते हैं ये रहमान भाई तीसरा ग्लास जो है ना तीसरा मग पीने लगे हैं तो हमारे महल्ले की मज्जा जो होती है वो इतने इतने पानी पीती है अच्छा उसने सारा फेंक दिया यार भाई ये आप ले लो नहीं नहीं मैं तो वैसे यार कह रहा था मज्जो मुझे पता है कि जो बोतल को देखो किस किस का पानी मुंह में आया होगा किस किस का पानी मुंह डायलॉग है यार किस किस का पानी मुंह में आया होगा पानी आया होगा किस किस का पानी मुंह नहीं किस किस का पानी मुंह आ गया नहीं किस किस के मुंह में पानी आया होगा ये हमारे महल्ले की डोन है की डोन ये हमारे महल्ले की डोन है तो व्लॉग का करते हैं हमें दें जाए दुआ में याद रखें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें यार चैनल होता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्या तुमने चैनल बोला मैंने चैनल बोला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें एंड कमेंट्स करें आहिस्ता बोला करो समझ में लगे मुझे लगा कह रहे हैं सच्ची सच्ची तो शैतान समझ रली है इन्हें रली तो मैं करा अल्लाह हाफिज़।